हेलो, हाँ एमडी राजेंद्र बोल रहा हूँ। क्या कहा? स्कूल यूनिफॉर्म 1 लाख का ऑर्डर है। नो 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 नो, 3 लाख का भी हो तो भी हमारी दुकान से ले सकते हो। हाँ बहुत बड़ी दुकान है, दुकान क्या शोरूम है। छे नॉनसेंस, ये इस तरह किसने फेंका? मैंने फेंका मालिक। ये है क्या? माल है। सैंपल में देख चुका हूँ, सारा सामान उतार के लेकर आओ। आपने जो पैसे दिए तो उसका यही मिला? मैंने जो पैसे दिए उसका यही मिला है। हे, ये क्या कह रहा है? माल भेज रहा हूँ बोलकर सिर्फ यही भेजा? सिर्फ इसी को रख के क्या करेंगे? वो भी अब आप ही बताइए। क्यों, आप ऑनर हैं, मैं नौकर हूँ। हे, हमारे बीच ये भेदभाव कहाँ से आया? जब ये मुंह खोलकर बड़बड़ा रहे थे तू चुप था, अब बोलना कहाँ? दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। विनोद भैया नाराज मत होइए। हे विनोद, तेरे से ही बोल रही है क्या? बॉस क्या बॉस क्या बॉस? हे, क्या तोते की तरह बॉस 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 लगा रखी है। मैं क्या कह के बुलाऊं? दोस्त कह के बुला, राजेंद्र बुला। अबे आ रहे जा रहे बोल के बुला ना। तो ऐसे तो बुला रहा था। कब बुलाया? अरे वाह रे वाह, कब बुलाया? विनोद भैया आपसे आप जैसा चाहिए कह के बुला सकते हैं। अरे रे 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 रे, तुम दोनों की कुंडलियां आपस में कैसे मैच खा रही है? क्योंकि हम दोनों एक साथ में घूमते रहते हैं ना। एक्सक्यूज मी, हेलो। मैं गांधीनगर से राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी बड़ी कपड़े की दुकान है। हाँ, लाखों रुपयों का माल रखा है। हाँ, हाँ, अरे यार रामो, तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। अरे रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर था यार। वो बाहर कब आएगा? मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी ये हमेशा झूठ बोलता रहता है। तू चाहे कितनी बार नहीं जानता बोल ले, लेकिन मैं यहाँ रोजाना देख कर ही जाऊंगा। कभी न कभी तो बाहर निकलेगा, उसे जान से मारने के बाद ही मैं अपनी नेतागिरी शुरू करूंगा। उसके लिए मैं ही यमराज हूँ, उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हे, पहले वो डम्मी नीचे रख। तूने कैसे पहचान लिया? तेरा चेहरा देख के पता चल गया। सब कुछ वो आज अच्छा, करते रहता है। वो हम दोनों पर विश्वास करके फाइनेंस कैसे देगा? तुम पे विश्वास करके नहीं, मुझ पे विश्वास करके देगा। वो कैसे? राजेंद्र, तुझे पहले पुराना तरीका सीखना होगा यार, तभी तू मेरी तरह सोच पाएगा। मैं आओ कहूँ तो आएगा, जाओ कहूँ तो जाएगा, खड़ा करूँ तो खड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा अप्रोच करने का तरीका ही निराला है। हाँ। ये क्या कह रहा है बे? मालिक, क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ सकता? आपके भरोसे 100 परिवार है। 100 परिवार? हाँ भैया, अगर मदद नहीं करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। उनके लिए आप ही भगवान है। क्या? आप उनके दाता है, उनके जीवन के ज्योति है। पहले मेरे पैर छोड़। बस यही है मैटर। कौन सा मैटर? मैंने कहा था ना, खड़ा करूँ तो खड़ा रहेगा, जाओ कहूँ तो जाएगा, बुलाऊं तो आएगा, वही यही पुराना तरीका है। इसी पे तो गाली टिकी है। हाँ। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया इस रास्ते पे चल रही है। हाँ। ये क्या कर रहा है? जॉगिंग मूवमेंट। जाली किस लिए? अरे राजेंद्र, आज पांटी बाजार में एक आदमी से मिलेंगे। हाँ। जो यहाँ क्या वही वहाँ पे करूंगा। हाँ। फिर से कपड़े की दुकान नहीं, बिल्कुल नहीं, शोरूम ओपन करेंगे। मैं नहा के तैयार हूँ तो तू जल्दी आ जा। ये क्या फिर से मूवमेंट? नो नो, जॉगिंग, बाय। ये नहीं सुधरेगा। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ। सॉरी, ये सॉरी किस लिए? रात को शराब पी कर मेरा हाथ पकड़ा। नहीं, दरअसल मुझे डर लग रहा था, इसीलिए थोड़ी सी पी ली। दरअसल अनजाने में थोड़ी सी ज्यादा पी ली, सॉरी यार। ये सॉरी क्यों? मैंने तुमसे पहले बोल दिया था ना, गले में मंगलसूत्र पड़ने तक तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। मैंने कहा था कि नहीं। हाँ। मेरे इतने कहने पर भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ा? अब से अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं जान दे दूंगी। नहीं ऐश्वर्या, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।
कौन है तू? ये पूछने वाले तुम कौन हो? चुपचाप बता दे तू कौन है, नहीं तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बता कौन है तू? मैं बताती हूँ। ये क्या इतनी सारी समस्याएं रख के तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? इस तरह छुप छुप के रह रहे हो। ऐसा नहीं है, दिनेश नाम का मेरा एक दोस्त बेंगलोर में रहता है, उसने कहा था हमारी शादी करा के बेंगलोर में मुझे काम भी दिलाएगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे वो मुंबई चला गया। मैंने फोन भी किया, लौटने में एक हफ्ता लगेगा कहा। फिर उसने चेन्नई का ये एड्रेस देकर कहा कि मेरे आने तक यहीं रहना, जैसे ही वो आ जाएगा तो हम दोनों शादी करके बेंगलोर में ही सेटल हो जाएंगे सोच रहे हैं। जब तुम्हारा दोस्त आएगा तब बाकी देख लेना, पहले तुम दोनों शादी कर लो। लेकिन यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी जान पहचान का एक है, उससे बात करके कल ही तुम दोनों की शादी का इंतजाम करता हूँ। तब तक तुम लोग कहीं बाहर मत निकलना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा घर सामने ही है, बता देना, चलता हूँ। जी अच्छा। मेरा एक बेटा होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही होगा। शादी करके हम दोनों यूं जोर से जकड़ लें, शादी बिना क्यों ना दोनों ऐसे ही जकड़ लें। ओहो, ये तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। हे, कहाँ जा रहे हो? मुझे कोई ना कोई रास्ता तो बताओ। तेरा ऊपर आ रहा, उसी से रास्ता पूछ ले। अरे अपना हाथ हटा, वेस्ट फेलो। हे, तू बाहर क्यों खड़ी है? फ्लैट बनाने वाले इतना बढ़िया बढ़िया फ्लैट बनाते हैं, लेकिन ये औरतें नाइटी पहनकर किसी भी लड़के को दबाने की कोशिश में रहती हैं, हाई रेंज में पकड़ने की कोशिश करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका आदमी वो कौन है? कौन है? जिसमें खाता है उसी में छेद करता है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। ऐसा क्या हो गया? राजू कहाँ है? राजू, राजू कहाँ है? ऐश्वर्या, मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया था, लेकिन हमारी शादी होने के बाद भी तुम्हारे पिताजी हमें साथ में जीने नहीं देंगे, वो जरूर मुझे मार डालेंगे। मैं हिम्मत करके तुम्हें ले तो आया, लेकिन मुझे भी अपनी जान प्यारी है, इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, मुझे मत ढूंढना राजू। हे विनोद, ऐश्वर्या ने खाना खा लिया? हे, खाया कि नहीं पूछ रहा हूँ ना। हे, जवाब क्यों नहीं देता? मेरे दिमाग मत खराब कर। सुबह का दिया नाश्ता ऐसे रखा हुआ है, दोपहर का खाना भी ऐसे रखा हुआ है, अभी जो ले जाऊंगा वो भी ऐसे रखा रहेगा। जो लोग भूखे उन्हें खाना मत खिलाना, अपने लिए कह रहा हूँ। जिसे खाना नहीं उसके लिए रख दिया क्या, रख दिया क्या, रख दिया क्या, पूछते रहना। हे, तू भी इस तरह की बात कर रहा है? उस बेचारी के बारे में जरा सोच के देख। हे विनोद, एक मदद करेगा? बोल ना यार। फौरन उसके गांव जाकर उसके घर में क्या हो रहा है जाके देख करा। हाँ हाँ। जाएगा कैसे? रुक, ये खर्चे के लिए रख। ठीक है, अब जा। ये पेपर दे, पढ़ता हूँ जाऊंगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या।